हाय एवरीवन, अब हम निकलते हैं मेडिकल कॉलेज के लिए और आज हम आपको दिखाने वाले हैं जेएनएमसी में क्या क्या है। तो हमारी स्कूटी बताओ स्टार्ट हो चुकी है, आज बहुत बताओ। मज़ा आने वाला है। हम जा रहे हैं, अब निकलते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं मेडिकल कॉलेज और ये खूबसूरत सा कॉलेज हमारा है जेएनएमसी। ये आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा कॉलेज है और ये इसका मेन गेट है। यहाँ पे टीचर्स की गाड़ियाँ पार्क हो रही हैं। ये इसका फ्रंट है। ये बहुत बड़ा कॉलेज है एक्चुअली। ये इसका बहुत कम पार्ट जो मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो में, आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको पूरा मेडिकल कॉलेज भी दिखाने वाली हूँ। ये सामने प्रिंसिपल ऑफिस है, ये इधर लिखा हुआ भी है प्रिंसिपल ऑफिस। और इधर चलते हैं हम अपने डिपार्टमेंट्स की ओर। इधर बहुत सारे हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें अलग अलग मेडिकल स्टूडेंट्स की क्लासेस चलती हैं। और इधर इसके पीछे जाके ओपीडी चलती है। ओपीडी यहाँ से बहुत दूर है। अब आप देख सकते हैं, ये मैं आपको डिपार्टमेंट दिखाती हूँ। ये डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि इसमें दिख रहा है बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट। ये थर्ड फ्लोर तक इसमें डिपार्टमेंट है। ये बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, यहाँ पे हमारे बायोकेमिस्ट्री के सारे टेस्ट लगाए जाते हैं और क्लासेस भी चलती हैं एमबीबीएस एमडी स्टूडेंट्स की। ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स भी चल रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पर एडमिट पेशेंट अपनी सैम्पल्स भी लेकर आते हैं, उनके टेस्ट भी लगाए जाते हैं यहाँ पर। बहुत बड़ा कॉलेज है हमारा और इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, देख सकते हैं आप। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर तक इसमें डिपार्टमेंट्स लिखे हुए हैं। ये आप सामने देख सकते हैं, ये रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का पूरा एरिया है। यहाँ पर एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड और भी जितने भी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के टेस्ट होते हैं, सारे टेस्ट इस एरिया में हमारे यहाँ होते हैं। और अभी हम चलते हैं पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ। यहाँ पर मैं सारी आपको लैब्स दिखाऊँगी, क्या क्या टेस्ट होते हैं वो सब कुछ मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये हमारा इधर ग्राउंड है और अभी पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है ऊपर। ये सामने ऑर्थोपेडिक का है। तो गाइस, आप देख सकते हैं हम आ गए हैं डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी। यहाँ पर पैथोलॉजी के सारे टेस्ट होते हैं। ये लैब नंबर 2 है, आज इस लैब में हम जाने वाले हैं। इसको इसमें कौन सी मशीन्स हैं वो डिटेल में हम दिखाएंगे आपको। ये अब हम चलते हैं अपनी लैब नंबर 2 केमिकल लैब में। तो ये है हमारी केमिकल लैब, इसमें आप देख सकते हैं ये सेंट्रीफ्यूज की मशीनें लगी हुई हैं। हमारे यहाँ कई सारी सेंट्रीफ्यूज की मशीनें हैं। ये एलाइजा रीडर है और भी मशीनें हैं। ये हमारे जितेंद्र भाई काम कर रहे हैं और ये हमारे लैब के इंचार्ज हैं। और इधर हमारा बायोकेमिस्ट्री की मशीन्स हैं। ये हमारे विनोद भाई इस पोर्शन में काम कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ से सैंपल्स लोड करे जाते हैं। ये इंक्यूबेटर है और ये हमारी बायोकेमिस्ट्री की मशीन है। हेलो सोना, ये आवाज़ तो बंद हो जाएगी इसमें। अच्छा, अभी तो कुछ भी बोल सकते हो। तो अभी हम आपको कुछ माइक्रोबायोलॉजी की लैब्स दिखाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये है डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी मतलब इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके सारे टेस्ट किए जाते हैं। इसमें कई सारी लैब्स हैं। इधर इम्यूनोलॉजी है, ये इम्यूनोलॉजी डिपार्टमेंट, इम्यूनोलॉजी लैब है। आगे बैक्टीरियोलॉजी है और मीडिया लैब है, जहाँ मीडिया तैयार किए जाते हैं। है?
तो गाइस अब हम चलते हैं अपनी घर की ओर। अब हम बहुत थक चुके हैं और आज मुझे कुछ काम था मेडिकल कॉलेज में, तो वो काम भी मैंने अपना किया है, उसकी वजह से आज मुझे बहुत थकान हो गई है। अब आगे आने वाली वीडियोस में अगर आप चाहेंगे तो मैं पूरी मेडिकल कॉलेज आपको दिखाऊंगी। और अब मैंने आज बहुत वर्क किया है यहाँ पर, मुझे अब भूख भी लगी है, तो अब रास्ते में कुछ खाते हुए घर की तरफ जाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी वीडियो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएं। अब हम अपनी स्कूटी की तरफ चलते हैं, हमारी स्कूटी इधर फ्रंट गेट पर ही खड़ी हुई थी। भाई हेलमेट लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है, धूप बहुत हो रही है। अब मेरी स्कूटी स्टार्ट होती है, अब हम चलते हैं मेडिकल कॉलेज से बाहर। सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।